स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं दैट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वस टू म्यू जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सो साइन आर हम लोगों का हो जाएगा साइन आई अपॉन म्यू सो साइन आई है जीरो पॉइंट सेवन एट एट जो कि साइन फिफ्टी टू डिग्री की वैल्यू है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वन पॉइंट थ्री थ्री है सो दिस विल कम आउट टू बी जीरो पॉइंट सिक्स अब हम लोग अगर साइन आर पता चल गया तो हम लोग कॉस आर भी पता कर सकते हैं कॉस आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर आर सो दिस विल कम आउट टू बी जीरो पॉइंट एट साइन स्क्वायर आर की वैल्यू हम जीरो पॉइंट सिक्स का होल स्क्वायर रख देंगे ना अब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए क्योंकि लिखा है मोस्ट इंटेंसिवली मतलब कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है सो तो हम लोग लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन फिल्म ऑफ थिकनेस टी विल बी हम लोग कंडीशन यूज करेंगे टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लामडा बाई टू अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसी रिलेशन से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नाउ जो टी का वैल्यू आ जाएगा दिस विल बी टू एन प्लस वन लैमडा बाई फोर म्यू कॉस आर हमारे पास लैमडा की वैल्यू सिक्स थाउजेंड फोर फोर है म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यून पॉइंट थ्री थ्री है कॉस आर की वैल्यू हमने पॉइंटेड कैलकुलेट कर ली सो दिस बी टू एन प्लस वन जीरो पॉइंट सिक्स अपॉन फोर इंटू वन पॉइंट थ्री थ्री इंटू जीरो पॉइंट एट ऑन सॉल्विंग दिस विल कम आउट टू बी जीरो पॉइंट वन फोर ब्रैकेट में टू एंड प्लस वन मीटर सो हम लोगों को थिकनेस निकालनी थी और वो हम लोगों की आई जीरो पॉइंट वन फोर ब्रैकेट में टू एंड प्लस वन मीटर सो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है Hope you understand the question well. Best of luck.